वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया था आपसे कि छत्तीसगढ़ का नेक्स्ट टॉपिक हम इसी पे लाएंगे कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा, तो आज हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मैं जो जानकारी आपको यहाँ दे रही हूँ वो बुक से और नेट से जो मैं सर्च करती हूँ उसके आधार पर दे रही हूँ। मैं आपको ये श्योर कर दूँ कि मैं शायद आपको डीपली नॉलेज ना दे पाऊँ, लेकिन कोई गलत जानकारी मेरी साइड से आपको नहीं दी जाएगी। और अगर कोई टॉपिक, कोई चीज आपको लगती है कि ये सही, मतलब मैंने नहीं बताया, तो वो आप कमेंट में लिखकर मुझे भी मतलब गाइड दे सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि कौन सी चीज सही है, क्या कहाँ पे मुझसे कोई मिस्टेक हुई थी। ओके, तो देखिए, फर्स्ट तो देखते हैं, बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि यहाँ पे 36 राजवंशों का शासन रहा है, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। लेकिन इसके अलावा और अन्य इतिहासकारों ने या और जो एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर भी तर्क निकाले जाते हैं कि इसका नाम ये क्यों पड़ा। तो देखते हैं हम, सबसे पहले ब्रिटिश इतिहासकार जे.बी. बंगलर, इन्होंने क्या कहा था कि महाभारत कालीन का एक साक्ष्य वे देते हैं। वो कहते हैं कि जरासंध ने जब दलित फैमिली पे किया था आक्रमण, तो वहां 36 फैमिली जो है उनसे बच के रहने के लिए, मतलब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में निवास कर रही थी। उस टाइम पे सिर्फ 36 हाउसेस थे, 36 घर थे, वो ही बाद में अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखिए बात करें तो ए.ई. नेल्सन एंड डॉक्टर हीरालाल, ये दोनों ने मतलब कुछ एक सिमिलर ही चीजें बोली है। वो बोलते हैं, इनका मानना है कि प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ में चेदी वंश का शासन रहा था, इस कारण से इनके किले को, दुर्ग को चेदीशगढ़ कहा गया और बाद में यही अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट जो गोपाल मिश्र है, ये रतनपुर में कंचुरी वंश में दरबारी कवि थे। इन्होंने भी अपनी रचना, अपनी कृति खूब तमाशा में इस स्थान के लिए छत्तीसगढ़ नाम यूज किया है। ठीक, इसके बाद हम दूसरे अगर रचनाकार साहित्यकार को देखें तो बाबू रेवाराम, इन्होंने अपनी रचना विक्रम विलास में यहाँ इस स्थान के लिए छत्तीसगढ़ वर्ड यूज किया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिये नेक्स्ट जो है जंगल कलिंगम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एक क्षेत्र था जिसको मतलब कि यहाँ पे एक पर्वत था जिसको अधिष्ठात्री पर्वत बोलते थे, और उस पर्वत की दक्षिण दिशा में ये स्थान स्थित होने के कारण इसको भी अधिष्ठात्री गढ़ कहा गया। और बाद में ये जो वर्ड है, फर्स्ट वाले जो वर्ड है अधिस, यही अपभ्रंश होकर 36 पड़ा और इससे अधिसगढ़ का नाम जो है छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा। ठीक है, और एक जो तर्क है वो ये है कि रायपुर और रतनपुर दोनों में कंचुरियों का शासन था, तो जो मतलब प्रथम शासन हुआ कंचुरी वंश का वो रतनपुर में था, उनको कंचुरी शासक ही कहा जाता था। लेकिन कंचुरियों की जो अन्य शाखा रायपुर में स्थापित हुई उनको कंचुरी न कहकर हैहय वंशी कहा जाता था। तो ये बात उठती है कि जब रायपुर और रतनपुर दोनों में इनका शासन था कंचुरियों का, तो उस टाइम पे शिवनाथ नदी के उत्तर दिशा में और शिवनाथ नदी के दक्षिण दिशा में 18 गढ़ थे, गढ़ यानी कि किला जहाँ पे वो निवास करते थे। तो ये 18 किलों को मतलब ऐड करके 36 किले के नाम पे छत्तीसगढ़ नाम दिया गया था। ठीक, अब इसके अलावा अगर हम देखें कि ऑफिशियली यानी कि आधिकारिक रूप से कब इसका नाम छत्तीसगढ़ वर्ड यूज किया, तो वो है 1795 में, सन 1795 में बिलासपुर गजेटियर में ये नाम यूज हुआ था। बिलासपुर गजेटियर कैप्टन ब्लंट जो है उन्होंने सबसे पहले इस स्थान के लिए छत्तीसगढ़ वर्ड यूज किया था। ठीक है, कैप्टन ब्लंट, और इसके बाद से फिर बिलासपुर स्थान के लिए उस टाइम पे संभाग भी रहा है कुछ टाइम तक के लिए छत्तीसगढ़, तो इसके लिए कोई भी आदेश निकलता था तो वो जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़ ऐसे ऑर्डर निकाला जाता था। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज है, मतलब छोटा सा तर्क है छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा, क्योंकि हम इसके मतलब रेसिडेंसी है, हमारा स्टेट है, तो हमको ये जानकारी तो होनी चाहिए। थैंक यू।